हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन आल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो 10% जनरल रिजर्वेशन कोटा आया है उसका नीट 2019 की कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड हो चुका है, किसी ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है और ये कायस लगा जा रहे हैं कि ये केस थोड़ा लंबा चल सकता है। तो गाइस, अगर हम वीडियो के टॉपिक पर आएँ तो मैं आपको बता दूं, इससे नीट 2019 की कट ऑफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। गाइस, सारे एक्सपर्ट, सारे एडवाइज़र का यही मानना है, अगर ये कोर्ट से अगर ये हट भी जाता है चैलेंज, तो उसके बाद भी 2 से 3 मार्क्स के अलावा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15% SC कोटा, 7.5% ST कोटा और 27% OBC कोटे को मिलाकर हमारे देश में टोटल 49.5% कोटा हो जाता है। तो गाइस, सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इससे नीट 2019 की कट ऑफ में तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, तो इसलिए आप अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पूरे मन से करिए, आपने पूरे साल पढ़ाई करिए गाइस, तो ये आखिरी के कुछ 3-4 महीने भी अगर आप पढ़ाई ढंग से कर लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ होगी तो हम अपने चैनल पर आपको अपडेट कर देंगे। उसके लिए आप हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और कोई भी मिलते हैं नई वीडियो में अन्य नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।